तो खुशी मूवी रिलीज हो रही है, तो तुम मेरे लिए टिकट ला दो। कि मैं मेडिकल करूँगी, जैसे मैंने साइंस लिया है 12th में, मैंने सोचा है कि अगर ये शूटिंग सितंबर के लास्ट तक शुरू हो जाती है तो मैं बुक्स लेके वहाँ जाऊँगी और अपनी पढ़ाई करूँगी। संचिता, यस संचिता, सो थैंक यू सो मच सर, एंड माय मदर इज बिग फैन ऑफ चिरंजीवी सर एंड शी इज सिटिंग देयर। नमस्कार, मैं हूँ आर्यन, आप देख रहे हैं सिल्क टीवी। अभी हमारे साथ इस फ्रेम में संचिता बासु हैं, जो कि बिहार भागलपुर से उठकर साउथ में जाकर पूरा अपना नाम परजम फहराया है, और इन्होंने इनका एक मूवी आया हुआ है साउथ में जो कि फर्स्ट डे फर्स्ट शो है, जिसमें कि काफ़ी ये साउथ में जाके अपना नाम कर रही हैं। इनके इनसे हम बात करेंगे अभी, तो कैसे आपका रहा ये जर्नी बताइए। जर्नी मैं बताऊँ तो मेरी जर्नी तो टिकटॉक से शुरू हुई थी, जैसे आप सबको पता है, और फिर टिकटॉक से मेरी वीडियोज़ धीरे धीरे सबको पसंद आने लगे, और उसके बाद फिर धीरे धीरे वीडियोस कहीं ना कहीं मेरे डायरेक्टर तक पहुंची, और उसके बाद जो हमारे कास्टिंग डायरेक्टर है नवनीत भैया, उन्होंने हमें अप्रोच किया और फिर हमारी वहाँ लुक टेस्ट हुआ मेरा, एंड देन उसके बाद सिलेक्शन हुई मूवी के लिए। अच्छा, 2019 में जब आप सबसे पहली बार जब आप टिकटॉक वीडियो कर रही थी, तो फर्स्ट टाइम जब आप वीडियो की, तो आपको पेरेंट्स से कैसे सपोर्ट मिला, कैसे बताएं कि हमको टिकटॉक करना है? ऐसा कुछ नहीं है, मुझे फ़ोन मम्मा का फ़ोन लेके मैं वीडियोस बनाती थी, और बेसिकली बस खुद को देखने के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए मैं वीडियोस बनाती थी। तो मैंने मम्मी से ऐसा कुछ नहीं पूछा मुझे टिकटॉक ही बनाना है या ऐसा ही करियर चुनना है, मैंने वैसे सोच के तो टिकटॉक बनाया नहीं था, पर धीरे धीरे वायरल होते रहा, हम लोग एंटरटेनमेंट के लिए और अच्छे अच्छे सुधार, मतलब एंटरटेनमेंट के लिए आप टिकटॉक करते गए और धीरे धीरे वायरल होता गया, होती गई और फिर कंटिन्यू रखा मैंने इसे जी। अच्छा, आपका स्कूल का पढ़ाई लिखाई कैसा, क्योंकि अभी आप 12th में है, 12th का आपका बोर्ड नहीं हुआ और एक मूवी आप क्लियर भी कर ली है जी। मैं पढ़ाई, जैसे मैंने कहा कि मैं पढ़ाई को साथ में लेके चलूँगी अपने करियर के साथ, क्योंकि जब मैं वहाँ पहुँची मूवी की शुरुआत में, मैंने ये समझा वहाँ पे जाके कि बिना पढ़ाई के कोई भी करियर नहीं होती है। अगर मैं कामल में नहीं पढ़ रही होती तो वहाँ जाके मेरी इंग्लिश अच्छी हुई तो मैं जाके वहाँ कॉम्युनिकेट कर पाई किसी से, कॉम्युनिकेट किया तब जाके मैंने तेलुगु उन लोगों से समझ के मूवी किया। तो मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं पढ़ाई की बहुत ज़रूरत होती है। अच्छा, ये बताइए, जब आप मूवी कर रहे थे तो आपका क्लास तो छूट गया होगा ना? क्लास छूट गया था, तो उस वक्त मैंने स्कूल से लीव लिया था, तो स्कूल का सपोर्ट था। मतलब लॉन्ग टर्म के लिए आपको लीव मिल गया? लॉन्ग टर्म के लिए नहीं, जितनी मूवी का जितना था डिमांड था, 15 days 20 days ऐसे करके मैं लीव मैंने लिया। अच्छा, लीव कर करके आपने मूवी को पूरा किया। अच्छा, ये बताइए, आप लैंग्वेज में आपको कितना दिक्कत का सामना करना पड़ा? पहले दिन जब मैं गई थी शूट पे तो मुझे लैंग्वेज की प्रॉब्लम थी, मैं समझ नहीं पा रही थी मैं कैसे करूँगी, पर उन लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया लिटरली, और उन लोगों ने मुझे समझाया इमोशंस डायलॉग्स में क्या है हिंदी में, उसके बाद फिर मैं उसको तेलुगु में। तो बिल्कुल शुरू से पढ़ना पड़ गया होगा मूवी करने के लिए? हाँ, आपको स्क्रिप्ट तो मिलेगा ही, और स्क्रिप्ट और डायलॉग्स तो आपको शुरू से पढ़ना ही पड़ेगा। अच्छा, मूवी का कोई डायलॉग हो तो आप अगर बताएं। हाँ, मैंने टीजर का डायलॉग बताया है अभी 2-3 जगह, वो है नाकू इलुंडी खुशी सिनेमा फर्स्ट डे फर्स्ट शो टिकट का वाली एपिस्तावा। इसका मतलब हिंदी में बता दे। इसका मतलब होता है कि वो लड़की जो है उस लड़के को बोल रही है कि परसों खुशी मूवी रिलीज हो रही है, तो तुम मेरे लिए टिकट ला दो, हम दोनों अच्छा, देखेंगे। आप बहुत ज़्यादा हीट हो रहा है, आगे आपका हॉलीवुड या फिर बॉलीवुड में आपको जाने का मतलब कहाँ क्या है उसमें? मैंने अभी ऐसा कुछ नहीं बेसिकली सोचा है कि मैं किस इंडस्ट्री में जाऊँगी, अभी मैं जिस इंडस्ट्री में हूँ उसके बाद फिर अगर मुझे ऑफ़र मिलता है किसी अच्छे रोल का, किसी अच्छे स्टोरी का जो मेरे लिए अच्छा होगा, लोगों को देखने में अच्छा लगेगा, मोटिवेट करेगा, तो मैं किसी भी इंडस्ट्री में काम कर सकूँ। अच्छा, आप जब टिकटॉक कर रहे थे तो आपका मतलब वीडियो कौन शूट करता था? मेरी वीडियोस हमेशा मेरी मम्मा शूट करती थी। अच्छा, कितना सपोर्ट घर से मिल रहा था कि इस फील्ड में जाएं आप? और भी आपका सपना था कि हम किसी डिफेंस सेक्टर में जाएं, फिर IAS बने? नहीं, बेसिकली मैंने सोचा था कि मैं मेडिकल करूँगी, जैसे मैंने साइंस लिया है 12th में, और मेरी मम्मा भी चाहती थी कि मैं मेडिकल करूँ, और पापा IAS चाहते थे, तो इस तरह सबका अलग अलग था मेरे को लेके ड्रीम, बट मैंने इस लाइन को चुना, तो ऐसा कुछ नहीं था कि तुम ये करो, उन लोगों ने सपोर्ट किया मुझे। अच्छा, जब आपको पहली बार मूवी का
का ऑफर आया था तो कैसा लग रहा था? जो पहली बार मूवी का ऑफर आया था बेसिकली बहुत अच्छा लग रहा था। मैंने एक जूम कॉल में ये स्टोरी सुना था इस मूवी का, फर्स्ट डे फर्स्ट शो का। उसके बाद मुझे लगा था कि मे बी सेलेक्शन होगा, मे बी सेलेक्शन नहीं होगा, बट कल होके मुझे कॉल आया था कि आप सेलेक्ट हो गई हैं। सो बहुत बहुत अच्छा लगा था, और ख़ास करके अनुदीप सर की मूवी थी जिनकी इससे पहले की मूवी ब्लॉकबस्टर गई थी, तो उनकी मूवी में काम मिला। और मेन बात है पूर्णोदया बैनर, आप जब सर्च करोगे गूगल पे तो आपको पता चलेगा कि इस मूवी में चिरंजीवी सर, इस बैनर पे चिरंजीवी सर, कमल हसन सर काम कर चुके हैं, और ये 25 इयर्स के बाद कमबैक हुआ है पूर्णोदया बैनर, उसमें चांस मिलना बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। अच्छा ये बताइए, आप इस मूवी के बाद कोई अगला और कोई मूवी है? इस मूवी के बाद मेरी एक तमिल मूवी है जिसकी शूटिंग सेप्टेम्बर के लास्ट में शुरू होगी। अच्छा तो फिर आपका 12th का एग्जाम भी है, तो उसको आप कैसे हैंडल करेंगे? मैंने सोचा है कि अगर ये शूटिंग सेप्टेम्बर के लास्ट तक शुरू हो जाती है तो मैं बुक्स लेके वहाँ जाऊँगी और अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करूँगी। अच्छा मतलब एग्जाम के टाइम पे फिर आप रिटर्न हो जाएंगे? मे बी अगर इसके बीच में भी शूटिंग से अगर छुट्टी मिलती है तो आऊँगी मैं। बाकी आप पूर्वी बिहार और भागलपुर के जो लोग आपको देख रहे होंगे उनको आप क्या कहना चाहेंगे? मैं सबको कहना चाहूँगी कि थैंक यू सो मच, आप लोगों ने मुझे इतना सपोर्ट किया, इतना प्यार दिया, जिसकी वजह से आज मेरी मूवी बन पाई है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं यहाँ तक आके खड़ी होंगी। हाँ मैंने ये इंटरव्यू बहुत बार दिया एज अ टिकटॉक स्टार, और पहली बार एज अ साउथ एक्ट्रेस के नाम से मैं अगर इंटरव्यू दे पा रही हूँ तो सिर्फ आप लोग के प्यार और सपोर्ट की वजह से। थैंक यू सो मच। देख लीजिए तो ये थी संचिता बासु, ये टिकटॉक से रील्स बनाते हुए, इसके बाद फिर इंस्टाग्राम पर रील्स करी, इसके बाद मूवी कर ली, तो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।